नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पर देखिएगा, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें लिखा गया है कि इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी भर्ती 5 चरणों में भरे जाएंगे हज़ारों पद। मतलब यूपी में जनवरी फरवरी के बीच होंगी परीक्षाएं, साफ क्लियर हो चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल अभी अभी की न्यूज़ है। जनवरी फरवरी में जो है परीक्षा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिएगा, यहाँ पर भी जो है तो बताया गया है कि इसमें कौन कौन से पद होंगे। लिखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी यूपी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले जो है वो 22,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश में अदृश्य सेवा चयन आयोग 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि 22,000 प्लस वैकेंसियां जो हैं बहुत जल्द आने वाली हैं। और किस किस विभाग में आएंगी, कितनी कितनी वैकेंसी है, प्रूफ के साथ देखिएगा। लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल के 7,882, मतलब 8,000 पद होंगे इसमें जो हैं लेखपाल के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समकक्ष, मतलब 9,212, मतलब क्या 10,000 के आसपास जो होंगे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मतलब स्वास्थ्य विभाग में पद निकलेंगे। इसके बाद लिखा गया है इसमें जो कृषि प्राविधिक व गन्ना पर्यवेक्षक, मैंने कहा था कैन सुपरवाइज़र की वैकेंसी जो होंगी, कैन सुपरवाइज़र की 2500 पदों पर वैकेंसियाँ आएंगी। और लिखा गया इसमें जो है, आगे देख लेते हैं, कनिक सहायक आशुलिपिक 2000, प्रयोगशाला जो प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिक 1200 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। इन पदों की भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो है साफ साफ लिखा गया कि इसके अंदर जो है ग्रुप सी में कितने पद होंगे, 50,000 लिखा हुआ है कि इसमें जो है, वैसे तो ग्रुप सी में 50,000 से अधिक पद खाली, मतलब क्या ग्रुप सी की जो परीक्षा होगी उसमें जो लेखपाल भर्ती भी आएगी, इसमें जो है परीक्षा का रिजल्ट, तो इसमें लिखा है 50,000 पदों पर भर्ती आएगी और 100% आएगी। पहले चरण में जो 22,000 बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो रिक्त रह जाएंगे वो नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ के इसका जो है विज्ञापन जल्द निकाल दिया जाएगा। लिखा गया इसमें जो है कि जो इसके बाद जो है शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ठीक है, आयोग चाहता है कि समूह ज्ञा के रिक्त पदों पर जो है 1 साल के अंदर भर्ती कर दी जाए, पीईटी में शामिल होने वाले को लाभ मिल सके। ठीक है, और एक विवाद बना हुआ है इसके अंदर जो है कि इसमें जो है अंग्रेजी का साफ साफ लिखा गया है। इसमें जो है पहली बात तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, साफ साफ लिखा गया ऑनलाइन परीक्षा जो होगी 100% होगी, इसमें विचार चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है समूह ज्ञ की भर्तियों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक। मैंने आपको बताया था अपनी ओल्ड वाली वीडियो में, पुरानी वीडियो में दिखाया था कि कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और कंप्यूटर जानकारी आज के दौर में सबसे अधिक होना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो कंप्यूटर नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और ऑनलाइन परीक्षा चलती हैं। ठीक है, पारदर्शिता बनाने के लिए ऑनलाइन जो है परीक्षा हो सकती है। मैंने आपको बताया था जो और पुरानी जो भर्ती हैं इसका जो है वो कब तक होंगी, मैंने आपको बताया जो पुरानी भर्ती हैं उसका जो विज्ञापन तो खैर मतलब हो चुका था। परीक्षाएं जो होंगी वो कम से कम जो है दिसंबर के लास्ट तक, ऐसा सुनने में आया कि दिसंबर के लास्ट तक होंगी। कौन कौन सी होंगी इसके अंतर्गत जो है, एक तो आपको ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, और टैग जो है सहायक बोरियन टेक्नीशियन के, इतने पदों पर जो भर्तियां जो चल रही थी ये अपने चलती रहेंगी। इसका भी जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो है दिसंबर के लास्ट तक करा ली जाएंगी, और नया विज्ञापन जो है वो जल्दी करा के और जनवरी फरवरी परीक्षा करा ली जाएंगी। मतलब क्या है, जो पुरानी भर्तियां हैं उनको जो दिसंबर तक फाइनल कर लेंगे, इसके बाद जो विज्ञापन अब निकलेगा 22,000 पदों पर उसकी जो होंगी वो जनवरी और फरवरी परीक्षा करा ली जाएंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, पल पल की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।